नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फिल्मी खेल में। और जैसे कि आप सबको पता है कि अनलॉक 4 शुरू हो गया है, सितंबर का महीना चल रहा है, लेकिन अभी तक सिनेमा हॉल नहीं खुले हैं। 5 महीने से बंद है और सिनेमा थिएटर में जो लोग देखने प्रशंसक है, देखने वाले, वो लोग बहुत ही परेशान है। और थिएटर से जुड़े हुए लोग, कर्मचारी, वो लोग बहुत ही दुखी है, बेरोजगार होते जा रहे हैं बहुत ही। इसी बात बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ है, जुड़े हुए हैं इंद्रजीत, मिस्टर आईटी, और स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। तो बताइए, ये आखिर क्यों नहीं खोला जा रहा थिएटर्स? क्या क्या किसका हाथ है, क्या है, क्यों नहीं, क्या कारण हो सकता है? बाकी सारी चीजें खुल रहे हैं, मॉल्स खुल रहे हैं, हर चीज खुल रहा है, उसमें किसका हाथ है ये तो हम बता नहीं सकते। खैर, लेकिन इतना कह सकते हैं कि जो थिएटर जो मालिक है उनका बहुत ही नुकसान हो रहा है। और जो ऑनलाइन जो मूवी रिलीज हो रहा है, इससे ऑनलाइन रिलीज होने से ये दर्शक जितने भी मतलब हॉल में देखना चाहते हैं या दर्शक हैं हॉल के जितने भी, ये लोग परेशान हो रहे हैं कि जो ऑनलाइन रिलीज हो रहा है उसमें मजा नहीं आ रहा, उसमें वो फीलिंग नहीं आ रहा है जो हॉल का जो फीलिंग होता है। अब देखिए ना, कितने मूवी आ रहे हैं, अगर कुछ पता ही नहीं चल रहा है, फ्लॉप हो रहा है। सही, अब वो सड़क टू अगर रिलीज होता तो सही मायने में सड़क टू का औकात पता चलता। बिल्कुल सर, देखो सड़क इतना बड़ा फ्लॉप होता ना, अभी वो मुझे लगता है बच गया, इज्जत उसका बच गया, क्योंकि ऑनलाइन रिलीज हुआ है, बहुत लोगों को पता ही नहीं चला वो हिट हुआ है या फ्लॉप हुआ है। यही अगर बॉक्स ऑफिस में रिलीज होता तो पता चलता कि कितने पानी में हो, सही मायने में। बिल्कुल। तो और दूसरी बात, थिएटर में रिलीज होना बहुत जरूरी है मूवी का, नहीं तो सिनेमा जगत खतरे में है। बिल्कुल। आने वाले जो भी है प्रोड्यूसर, तो साला उनको तो पैसे से मतलब है। वो लोग सोचेगा हम तो हमें पैसे मिल जा रहे, पब्लिक देखे ना दे। लेकिन थिएटर से जुड़े हुए लोग, हजारों कर्मचारी, उनके स्टाफ, मैनेजमेंट, सभी, कितने लोगों का रोजी रोटी चलता है इससे। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, पहले सिंगल स्क्रीन की स्थिति बहुत खराब चल रहा था, अब धीरे धीरे और भी स्थिति खराब हो गई। जितना मूवी रिलीज होना था, अब ये कोरोना महाकाल में धीरे धीरे थिएटर मूवी बंद हो गया। अब धीरे धीरे थिएटर जैसे सिंगल स्क्रीन थिएटर सारा बंद होने की कगार पे है। अब जेब में पैसा ही नहीं आएगा तो कर्मचारी को कहां से देगा सैलरी? धीरे धीरे बंद हो जाएगा, फिर साथ में इंडियन सिनेमा को बहुत नुकसान हो रहा है। अच्छा, कोई खबर आया है कि कब तक खुलने का? इस महीने 15 तारीख तक या अगले महीने, कोई उम्मीद है? कुछ पता नहीं चला, कुछ पता नहीं चल रहा है। मैंने आज एक ट्विटर पे एक मैसेज देखा था, मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा किसका देखा था। उन्होंने लिखा था कि गुड न्यूज फॉर क्या कहते हैं सिनेमा एग्जीक्यूटिव के बारे में। तो उनका एक मैसेज ऐसा लग रहा है कि शायद बहुत जल्द खुल सकता है। अब देखो सरकार के निर्णय क्या होता है। देखिए, हर चीज तो खुल ही चुका है, खाली सिनेमा जगत नहीं खुल रहा है, उससे कोरोना और बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपका मार्केट खुल चुका है, मॉल्स खुल चुके हैं, सोशल जो एरियाज है वो खुल चुके हैं। बिल्कुल। सब आवाजाही, कंपनीज खुल चुके हैं, लोग जा रहे ऑफिस, जा रहे आ रहे, तो मुझे समझ में नहीं आया। वहां भी प्रिकॉशन के साथ एंट्री होगा, ऐसी बात नहीं है कि डायरेक्ट सबको सैनिटाइज किया जाएगा, पूरे तरीके से साफ तरीके से एंट्री किया जाएगा। बिल्कुल। तो गाइडलाइंस के साथ शुरू कर देना चाहिए मेरे ख्याल से। बिल्कुल। देखो, स्कूल खुल गया ना, सॉरी स्कूल नहीं खुला, ठीक है, कॉलेज नहीं खुला, लेकिन बाकी चीज तो खुल रहा है ना, जैसे मॉल हो गया, बाजार हो गया, धीरे धीरे सब कुछ खुल रहा है। बस चल रहा है, ट्रेन चल रहा है, प्लेन चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। तो फिर इसमें हॉल वालों की क्या मतलब क्या परेशानी है पता नहीं, जो सरकार इसको देखना चाहिए। जी, चलो, हम यही उम्मीद करते हैं कि सितंबर, आज 2 सितंबर हो गया, और उम्मीद करते हैं कि इस महीने के एंड तक कोई गुड न्यूज मिले और अक्टूबर से हमें बिल्कुल सही तरीके से सिनेमा हॉल खुल जाए और मूवी रिलीज हो हर फ्राइडे की तरह जैसे होता है। हम यही दुआ करते हैं। थैंक यू। और हाँ, जुड़े रहिए हमारे साथ खेल न्यूज और फिल्मी दुनिया से रिलेटेड सारे न्यूज के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू। साथ में बेल आइकन को भी दबाएं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू।